से नहा के मैं हो गया हूँ फ्रेश। मैं क्या है कि गर्म पानी से नहीं नहाता, मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, शुरू से आदत है। और गर्म पानी से नहाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई शरीर में कमजोरी कमजोरी महसूस होने लगा है। उसी लिए मौसम जैसा भी हो, अभी बाहर मौसम एकदम खराब कर रखा है, मेरे को पता नहीं था। क्योंकि मैं जैसे ही व्यायाम करके अंदर आया, आधे घंटे बाद मैं नहाता हूँ व्यायाम करने के बाद, तो मतलब मौसम ठीक ठाक था। और अचानक नहाने के समय मेरे फ्रेंड का कॉल आया और बोलता है भाई पानी गिर रहा है यार, बताता है। मेरे को पता ही नहीं, मैं तो नहा रहा। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और सबको जानकारी हो गया है कि दुकान खुल गई, इस वजह से भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा हो रहा है। प्लेट का काम अचानक ठीक, दुकान में भीड़ भाड़ रहता है और ये प्लेट वाले आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी प्लेट भी लोड करवा के भेज रहा हूँ। कहाँ जा रही है? फिर एक गाड़ी आ गई। एक तो छब्बीस 37 38 35। सिर्फ मैं काम वाला वीडियो दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसी में भी फिलहाल व्यस्त हूँ, तो मैं जिस चीज़ में व्यस्त रहूँगा वो चीज़ मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और अभी अभी क्या है, मैं दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और इधर ये सेंटरिंग प्लेट वाले भी आ गए थे और अचानक एक जन का लोहे का कुछ सामान बना के भी देना था, तो अभी दुकान छोड़ के मैं 5 मिनट के लिए इधर आया था, प्लेट प्लेट लोड होकर चला गया। और ये एक जन का खिड़की का निर्माण चल रहा है, तो आप लोग भी इनमें से कुछ काम जो है ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग भी ध्यान दें कि आप अकेले इंसान ऐसा क्या क्या काम कर सकते हैं घूमने फिरने के अलावा भी, थोड़ा मोड़ा अपने लिए कुछ पैसे कमाने के लिए, घूमने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है पैसे की। आर्थिक रूप से भी इंसान मजबूत रहता है थोड़ा, तो ये सब चीज़ कर पाता है क्योंकि लाइफ में हर कुछ चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर प्रयास करें कि इसके साथ साथ कुछ कुछ जो है बैकअप भी अपने को बना के रखना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान देते रहें, हर चीज़ ज़रूरी है। हमारे तरफ बिल्डिंग में एक्चुअली क्या है, ढलाई के समय इस टाइप से पाइप और इस टाइप से प्लेट का यूज़ होता है, जो अब ट्रैक्टर में लोड हो रहा है। और ये देखिए इस टाइप के पाइपों का जो है सेंटरिंग में यूज़ होता है। एक ये पाइप है और एक ये है छोटा बड़ा करने वाला, इसे आप क्या है 8 फीट से लेके 12 फीट 13 फीट तक चढ़ा सकते हैं। ये हिस्सा इस टाइप से बाहर निकलता है ये, और इन छेदों में अपन कहीं भी जिस टाइप से सेटिंग करना है आपको, जिस हाइट में चाहिए वहाँ पे जो है लोहे का टुकड़ा डाल सकते हैं। तो ये है एक और जुगाड़ कमाई धमाई करने का। ये देखिए अभी क्या है 7 से 12 का टाइम कर दिया हुआ है। अब उधर से फिर दुकान की ओर। बन रहा है गरम गरम धुसका, चावल के आटे का जो बनता है ये हमारा धुसका। और धुसके के लिए स्पेशल छोला, तो अब लेंगे हम लोग धुसका आनंद जबरदस्त। और ये टमाटर की चटनी। बज गया है और हो गया है दुकान बंद।
ये देखिए दुकानदारी में आज इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ था कि भूख के मारे हालत खराब, रुक जा, भूख के कारण जो हालत खराब था तो ये जो है हम लोग क्या है, दो तीन दिन से जो लगातार मेन्यू नहीं दिए जा रहे थे तो ये एकदम गुस्से में है और बोल रहा है मेरे को भी लेके जाओ। तो आज इसको मैं मना कर रहा हूँ कि भाई आज मत जा, हम लोग थक गए हैं करके, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो मानने को तैयार नहीं, तो फिर से लेके जाएंगे। तो दुकानदारी कंप्लीट करने के बाद हम लोग ले रहे हैं दुष्कानंद, ये मेरा छोटा भाई है धर्मेंद्र अग्रवाल और मैं जितेंद्र कुमार अग्रवाल, धर्म इसको बोलू बोलते हैं, मेरे को बबलू बोलते हैं। हम लोग का हालत खराब हो चुका है आज, स्थिति एकदम देखने लायक है, देखे पसीने 7 बजे के बाद से नाश्ता करने का भी फुर्सत मिल रहा है। तो ये हमारे घर का ही बना हुआ दुष्का, दूसरे रास्ते में पैदल घूमने के लिए निकले हैं और सामने ये देखिए, ये देखिए अपने खेत से ताजे ताजे दो तरबूज तोड़ के लाते हुए धनेश्वर यादव जी, एक तरफा फुल साइज का तरबूज है और ये अपने इसी बगान में ही इसे लगाते हैं। ये देखिए फसल, ये है भांटे का फसल, उधर है भिंडी का फसल और भिंडी का तोड़ाई भी चालू है, एक ही जन तोड़ता है और कहाँ ढुकी से पते नहीं लगाते होकर कहाँ ने। ये देखिए ऐसे झुंड में एक और इंसान अंदर में तोड़ने में लगा हुआ है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है, कहाँ ने, कहाँ ठन उठिए। वो देखिए लाल लाल जो ये दिख रहा होगा लाल लाल वो कपड़ा, ये वाला ये है, ये देखिए। तो देखिए ये मतलब झुंड में इंसान पता ना चले तो इंसान क्या क्या यूज कर सकता है ऐसे झुंड का, बरबट्टी का भी लेना। और इधर ये देखिए बरबट्टियां, ये इनका पूरा खेती बाड़ी है जो यहाँ से तोड़ के हमारे बाग बाहर मिला के सुबह रोज जो है सब्जी बेचते हैं। तो वहां पे ये लगा रखे थे तरबूज लेकिन कल बेचने के लिए अभी जो है सारा तोड़ दिए हैं। अगर एक आध पीस भी होता तो मैं आप लोग को जरूर दिखाता, प्रयास करता हूँ अगर एक आध पीस दिख जाए तो। अरे वाह ये देखिए, ये दिख गया तरबूज, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, बेचने को ले जाएंगे। तो यहाँ से एक पीस हमारे लिए ये काट के रखे हुए हैं, हम लोग लेते हैं तरबूज का आनंद। एक तो मिला दिखा, अच्छा वो इसका चला, ठीक है चल। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है जमावड़ा, यादव जी अपने तरफ से काट के खिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बसंतपुर में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मीठा है। अरे वाह, नॉट टेस्टी है ना, 4 तरबूज 5 तरबूज डेली जाते हैं डेली। मेरा ये बहुत फेवरेट फलों में से एक चीज है, ये तरबूज बहुत पसंद है और ऐसे जगह में बैठ के तरबूज खाने का मजा तो फिर और आप सोच ही सकते हैं। लगभग यादव जी अभी तक 40,000 से 50,000 का तरबूज बेच चुके हैं और अभी भी हमने उनके जो बाड़ी में देखा लगभग 60,000 का तरबूज बाकी है। कहाँ पे? मतलब अभी तुरंत में 60,000 का नहीं है, शुरू से लास्ट तक जितना नहीं, 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 नहीं। 40,000 का बेच चुके हैं, बता चुके ना मेरे को, 60,000 का बचा, 60,000 लगभग का है वहाँ तरबूज। और जो मीठा तरबूज खाना है तो ऐसा खाइए, हमारे विजय गुप्ता जी भी यहाँ पहुँच गए हैं, इनके किस्मत में भी तरबूज लिखा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र अग्रवाल, ऐसे समय को खिलाने के लिए। नहीं मेरा धन्यवाद मत कीजिए, पूरा वो अपने तरफ से खिला रहे हैं। यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा तरबूज का निर्माण किए हैं। दिख रहे हैं आपको ये सब इन्हीं यादव जी की है। देखिए धान कैसे लगे हैं, ये देखिए पूरी ठसाठस धान की खेती यहाँ से वहां तक, पूरा कम से कम 4 से 5-6 एकड़ में पूरा का पूरा धान लगा हुआ है।
कितना सुंदर नजारा है, चारों तरफ हरियाली। शॉप का टाइमिंग हमारा फिलहाल है 7 बजे से 12 बजे तक। देखिए कब तक ये खुल पाता है, जब तक स्थिति हमारे तरफ सही है तब तक तो भाई ओपन करेगा। अगर स्थिति अगर किसी कारणों से बिगड़ने लगी, अगर वायरस ने अपना ज्यादा कुछ प्रभाव दिखाया हमारे एरिया में भी, तो फिर बाद में हो सकता है कि शॉप जो है फिर से क्लोज करा दे। तो मैं आ गया हूँ अपने खेत की तरफ। ये देखिए यहाँ हमारा लौकी भी लगने लगा है, ये सब लौकी वगैरह लगने लगे हैं। और फिलहाल सब्जी उब्जी भी घर पे ही कुछ काश निकल जा रहा है, 50% तो घर का ही खा ले रहे हैं, बाकी मार्केट से तो लेना ही पड़ता है। तो अभी फिलहाल क्या है, थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ी है और व्यस्तता बढ़ने के कारण हो सकता है कि व्लॉग्स वगैरह जो है कभी शॉप से संबंधित, आसपास घर से संबंधित बाहर निकलना हो सकता है अभी थोड़ा सा कम हो। तो यही सब फिलहाल अभी आएंगे, तो आप लोग बस मजे लेते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा, घंटे का बटन को भी थोड़ा सा हुक दीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग पे। अब रेगुलर एकदम रह पाऊंगा या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता फिलहाल, क्योंकि जब तक दुकान नहीं खुली थी तब तक रेगुलर था, अब दुकान खुल गई है तो थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी जो भी दिखे, जैसा भी वीडियो मेरे को दिखे कुछ, उस पे मान के चलिए थोड़ा सा भी नयापन लगे चाहे कुछ भी रहे तो मैं अब जरूर डालने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय बजरंगबली।